भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष पर अनुग्रह किया। दक्ष को दंडित क्यों किया? बोले दक्ष के मन में अत्यंत अभिमान हो गया था, और भगवान का काम है अभिमान को मर्दित कर देना। राजा महाराज मनु की तीन बेटियों का वंश आपने सुना। अब देखिए, सबसे पहले सृष्टि के क्रम में बेटियों का जन्म हुआ, यह एक विज्ञान समझिए। आज बेटी हो जाती है तो लगता है कि बेटी वाला माथा पकड़ के बैठ जाता है। कारण क्या है? का अज्ञा दहेज के ऐसन तेज हो गई कि बेटी जन्मावल परहेज हो गई। बेटी जन्मावल परहेज हो गई, अज्ञात हेज के ऐसन तेज हो गया, अज्ञात हेज के ऐसन तेज हो गए। बेटी जन्मावल परहेज हो गया, बेटी जन्मावल परहेज हो गए। आज बेटी जन्म लेती है जिसके घर में मातम मनाया जा रहा है, लेकिन सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, भगवान मनु से सृष्टि चली तो तीन बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। और तीनों का विवाह सामान्य लोगों से नहीं हुआ, घुरहु कतवारु मंगरु से। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, जिनके यहां भगवान यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। इसका मतलब यह है कि दाम्पत्य जितना उत्कृष्ट होगा, आने वाली संतान भी उतनी ही उत्कृष्ट होगी। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष, जिनके स्वयं ससुर भगवान शंकर हुए, जिनके दामाद, क्षमा करेंगे, बातें कभी कभी निकल जाती है 150, इसी को पकड़े मत रखिएगा, आप लोग छोड़ते रहिएगा, क्योंकि बोलने का क्रम बहुत टेढ़ा है। जिन प्रजापति दक्ष के दामाद भगवान शिव, देखिए तीन स्त्रियां हुई जिनको भगवान दामाद मिले, कौन कौन? मैना, सुनैना और कलावती, पितरों की बेटियां थी। शिव पुराण, सनत कुमारों के श्राप से लोग पृथ्वी पर आई थी। मैना के दामाद भगवान शंकर, सुनैना के दामाद भगवान राम, और कलावती के दामाद भगवान कृष्ण। राधा जी की मां का नाम था कलावती, कहीं कहीं कीर्तिदा भी लिखा हुआ है, पुराणों में बड़ा अंतर भी है। और देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, जिनके पुत्र भगवान कपिल देव हुए। सांख्य शास्त्र का, सांख्य माने ज्ञान, भगवान शंकर के बाद तीनों पुत्रियों के वंश को यही बंद कर दिया।